नमः शिवाय। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि सोमवार आर्द्रा नक्षत्र सुबह 8 बजे तक रहेगा, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा, जिसके नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव हैं। चंद्रमा आज रात्रि 1 बजे तक मिथुन राशि में ही रहेंगे, तत्पश्चात कर्क राशि में चले जाएंगे। ध्यान रखें, आज के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे जातक सुंदर, लोकप्रिय, धनी, तीक्ष्ण बुद्धि वाले और धार्मिक होते हैं। स्वाभिमानी, आत्मविश्वासी और प्रसिद्धि पाने वाले और भौतिक इच्छाओं से परिपूर्ण होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि के जातकों का सार्थक पहल जारी रहेगा, हर काम में उत्साह की स्थिति बनी रहेगी। पिछले दिनों की अपेक्षा आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहेगा। कम मेहनत में अधिक लाभ की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। वैवाहिक मामलों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। पुराने संबंध पुनर्जीवित होंगे। अपने दिनचर्या में योगा और व्यायाम को शामिल करें, हल्का महसूस करेंगे। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बिल्कुल अनुकूल है। अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल व्यावसायिक उन्नति के लिए करें। मन मुताबिक लाभ की स्थिति बनी हुई है। पिता व उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं की रूपरेखा में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम संपन्न होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूलता बनी रहेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। पुराने मित्रों से भेंट संभव है। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के पक्ष में रहेगा। आपके राशि स्वामी बुध और शुक्र दोनों गुरु के नक्षत्र में सूर्य के साथ भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। आपका थोड़ा प्रयास सफलता के नए मुकाम तक पहुंचाने में सक्षम है। नई कार्य योजनाओं की रूपरेखा मन में बनती रहेगी, मगर एक एक करके हर काम को करते जाएं। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से राहत भरी खबर मिल सकती है। विरोधी दबे रहेंगे। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। धार्मिक भावना बलवती रहेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए सामाजिक व व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा। हर काम के प्रति आपकी सक्रियता और ऊर्जा स्तर बढ़ा रहेगा। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक उन्नति का दौर चल रहा है। अच्छे कामों में खर्च संभव है। न्यायालय या वाद विवाद संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति बनी हुई है। निजी संबंधों में तालमेल बिठाकर चलें और पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। सिंह राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा। व्यावसायिक साझेदारी में लाभ संभव है। अपनी कार्य योजनाओं को स्वयं विश्लेषित करते हुए मूर्त रूप दें, लाभ मिलेगा। आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। भविष्य की योजनाओं में निवेश के लिए समय अनुकूल है। संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए प्रयास करना होगा। वैवाहिक प्रसंग फलीभूत होंगे। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। शाम के बाद थोड़ा मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं। अपने खान पान पर सावधानी रखें। कन्या राशि के जातक आज भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पेट संबंधी समस्याएं और मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं। नई कार्य योजनाओं को अभी स्थगित रखें। निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। साजिश के शिकार हो सकते हैं। आपकी गोपनीय एवं महत्वपूर्ण बातें सार्वजनिक हो सकती हैं। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी।
विवाद के निपटारे को भविष्य के लिए टाल दें। माँ दुर्गा की आराधना करें और गाय को घी लगी हुई रोटी खिलाएं। साथ ही अपने ईशान कोण को साफ सुथरा रखें। तुला राशि के जातक आज महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर सावधानी पूर्वक लें। कई व्यावसायिक योजनाओं का निमंत्रण एक साथ मिल सकता है। जिस विषय पर आपका सबसे अधिक आत्मविश्वास हो उसी को चुनते हुए अपने कार्य योजनाओं में शामिल करें। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता संभावित है। विवादित मामलों को निपटाने में मित्रों का सहयोग मिलेगा। आपके प्रयास सार्थक होंगे। धार्मिक भावना बलवती रहेगी मगर मन अंतर्द्वंद और आशंकाओं से भरा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को पारिवारिक मामलों में यात्रा या प्रवास संभावित है। पूर्व प्रतीक्षित मामलों को निपटाने की कोशिश करें। नौकरी करने वाले कर्मचारी बहुत दिनों बाद आज अनुकूल माहौल महसूस करेंगे। मित्र व संबंधियों का सहयोग मिलता रहेगा। संतान के प्रति चिंता आज बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूलता मिलेगी। वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी मगर मन के नकारात्मक विचारों को दूर रखना होगा। धनु राशि वाले जातक आज हर मामले में अनुकूल महसूस करेंगे। आपकी कार्य ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी। आर्थिक मामलों में लेन देन में सावधानी रखें। व्यावसायिक मामलों में आपका काम सुचारू ढंग से चलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रति समय अनुकूल है। कर्क राशि के व्यक्ति से सावधानी रखें। नुकसान संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में समय अनुकूल है। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। मकर राशि वाले जातकों के वाणी में मधुरता और अंतर्ज्ञान में वृद्धि होगी। बुध और शुक्र दोनों बृहस्पति के नक्षत्र में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और साथ ही बृहस्पति की दृष्टि आपके वाणी भाव पर पड़ रही है। व्यक्तित्व में निखार और अप्रत्याशित धन लाभ संभव है। बौद्धिक ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी जिससे व्यावसायिक उन्नति में सहयोग और आर्थिक लाभ मिलता जाएगा। मित्रों से सहयोग और संतान के प्रति आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा मगर पत्नी पक्ष के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप लाभदायक सिद्ध होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव संभावित है मगर व्यावसायिक पृष्ठभूमि मजबूत रहेगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रति आपका प्रयास सफल होगा। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। परिवार में हर्ष और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। आज देव दर्शन के योग बनते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए खर्च की स्थिति बनी हुई है। अपव्यय को रोकने का प्रयास करें। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में राहत मिलेगी। मन के नकारात्मक विचारों में सुधार होगा। अपने व्यावसायिक उन्नति के लिए सार्थक प्रयास जारी रखें। मेहनत के अनुरूप आर्थिक लाभ मिलता जाएगा। राहु आपके पांचवें घर में बैठे हुए हैं जो आपकी क्रियाशीलता और ऊर्जा स्तर को बार बार प्रभावित करते हैं। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और वैवाहिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। केले के पौधे में रोज जल डालें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।